हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रसेनजीत और आप देख रहे हैं प्रसेन हिंदी टेक। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए जो यूट्यूब में आना चाहता है और कुछ करने चाहता है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट होता है और यूट्यूब के यूजेस किया क्या है, और उसके साथ देखेंगे हम लोग यूट्यूब जो स्टूडियो है इसका यूजेस किया क्या है और इसका काम हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब में काम करने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल में दो एप्लीकेशन होना जरूरी है। एक है आपका यूट्यूब जो मोबाइल में रहता ही है, और दूसरा है यूट्यूब स्टूडियो। ये दोनों एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए और दोनों एप्लीकेशन में आपको जीमेल अकाउंट में साइन इन करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस दोनों एप्लीकेशन को जीमेल अकाउंट से साइन इन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग दोनों एप्लीकेशन में साइन इन कर लीजिए गूगल अकाउंट में। उसके बाद जो आपके मोबाइल में यूट्यूब एप्लीकेशन है उसको ओपन कीजिए। यूट्यूब ऐप को ओपन करने के बाद आपके पास यूट्यूब ओपन हो जाएगा। यूट्यूब ओपन हो के देखिए, ऊपर राइट साइड में ऊपर एक सर्कल है जहाँ पर बी लिखा हुआ है, उसको क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद और एक न्यू इंटरफेस आएगा जहाँ पर लिखा होगा पहले योर चैनल, इसमें क्लिक कीजिए। योर चैनल में क्लिक करना होगा। योर चैनल में क्लिक करने के बाद और एक न्यू इंटरफेस आएगा जहां पर आपका लिखा होगा आपका जीमेल अकाउंट जिस नाम से है वो नाम यहां पर शो करेगा। उसके बाद डायरेक्ट देखिए नीचे लिखा हुआ है क्रिएट चैनल, इसमें क्लिक कीजिए। क्रिएट चैनल में क्लिक करना होगा। क्रिएट चैनल में क्लिक करने के बाद और एक न्यू इंटरफेस आएगा जहां पर आपका नेम लिखा होगा, जहां पर जीमेल नेम जो दिया हुआ था वो नेम आएगा, और सामने देखा होगा लिखा दिखा जाएगा क्रिएट ए वीडियो। आपका चैनल यहाँ पर रेडी हो गया है। आप अब चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं, जो सेटिंग का जो मार्क है उसमें क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज आएगा जहाँ पर लिखा होगा आपका नाम। यहाँ पर आपका नाम जो चैनल का नाम दीजिएगा वहाँ पर यो क्लिक कीजिए, एडिट करना होगा। इसको एडिट करने से आपका जो न्यू नाम देना है यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब में ऐसा नाम देना पड़ता है जो कि किसी का भी नहीं हो, यूट्यूब में वो नाम किसी का भी नहीं हो। इसलिए अगर आप किसी का हो जाता है, सेम नाम हो जाता है, तो आपका नाम जो सर्च करने से नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नाम दीजिए जो किसी का नाम यूट्यूब पे सर्च करने से नहीं मिलेगा, आपके यूनिक नेम होगा। इसको टाइप करने के बाद ओके बटन में क्लिक कीजिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज आएगा, वहाँ सेम पेज आएगा जो पहले किया हुआ था। यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जो नीचे दिया हुआ एड ए डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर क्लिक कीजिए और कुछ भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप टाइप कीजिए। यहाँ पर हम टाइप करते हैं सब्सक्राइब माई चैनल। टाइप करने के बाद ओके बटन में फिर से क्लिक करना है। ओके बटन में क्लिक करने के बाद नीचे देखिए और ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी, कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट। अगर आप आपका सब्सक्रिप्शन प्राइवेट रखना चाहते हैं तो क्लिक ओके चाहिए, राइट करना चाहिए, और अगर दिखाना नहीं चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं सबको, तो यहाँ पर टिक मार्क नहीं करना है। इसको देख के अब नीचे ऑप्शन में आएंगे, कीप ऑल माई सेव प्लेलिस्ट प्राइवेट। अगर आपका प्राइवेट प्लेलिस्ट को प्राइवेट रखना चाहते हो तो क्लिक कीजिए, अगर प्राइवेट नहीं रखना चाहते हो तो अनटिक कीजिए। इसके बाद बैक करके चैनल में आ जाइए। अब हम लोग देखेंगे कैसे वीडियो अपलोड किया जाता है। तो इस पेज में सबसे ऊपर देखिए जो कैमरा का आइकन दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे, और जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम एक वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे वीडियो अपलोड होता है। तो वीडियो हम लोग सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद देखिए नीचे आइए स्क्रॉल करके, जहाँ पर लिखा होगा आपका चैनल के नेम और आपका जीमेल अकाउंट, उसके बाद टाइटल। आप जो जिस वीडियो अपलोड कर रहे हो उस वीडियो का यहाँ पर टाइटल लिखना होगा, आपके वीडियो के रिलेटेड टाइटल यहाँ पर टाइप करना होगा। अलग टाइटल लिखने से गलत हो जाएगा, आपका सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, आपका व्यू नहीं बढ़ेगा। इसलिए जिस वीडियो को आप डाले हैं उस वीडियो के रिलेटेड आपको टाइटल यहाँ पर टाइप करना होगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ टाइटल टाइप कर दीजिएगा। टाइटल टाइप करने के बाद नेक्स्ट हम लोग का काम है अपलोड करना। जो ऊपर लिखा हुआ है अपलोड ऑप्शन कॉर्नर में, उस अपलोड ऑप्शन में क्लिक करेंगे, और अपलोड ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम लोग का जो वीडियो है ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा।
आपका जितना वीडियो साइज है उस हिसाब से आपका टाइम लगेगा अपने अपलोड होने में। फ्रेंड्स, वीडियो तो यहाँ से अपलोड हो जाएगा, लेकिन हम लोग को जो थंबनेल है वो कहाँ से अपलोड करेंगे? थंबनेल का ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं मिला। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं आगे बढ़ के यूट्यूब स्टूडियो कैसे यूज करते हैं। हम लोग यूट्यूब स्टूडियो से ही थंबनेल अपलोड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग इसके बाद अपने मोबाइल से यूट्यूब स्टूडियो या फिर YT स्टूडियो को ओपन करेंगे। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपका फ्रंट पेज मिलेगा, इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पर आपका चैनल का नाम होगा, आपका कितना सब्सक्राइबर है वो शो करेगा, उसके बाद आपके जो जितना सारा वीडियो होगा वो शो करेगा यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे थंबनेल कैसे अपलोड होता है। तो सबसे पहले कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए, टैप कीजिए वीडियो के ऊपर। वीडियो के ऊपर टैप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपका दिया रहेगा एडिट ऑप्शन, शेयर ऑप्शन और यूट्यूब का लोगो। तो यहाँ पर हम लोग इसको थंबनेल लगाने के लिए हम लोग एडिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जो पेंसिल का मार्क है वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। पेंसिल का मार्क क्लिक करने के बाद यहाँ पर और एक तो न्यू कुछ ऑप्शन बढ़ेगा, जहाँ पर बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग, ये सब लिखा होगा। यहाँ से हम लोग पहले देखेंगे थंबनेल कैसे चेंज किया जाता है। और यहाँ पर ऊपर जो लेफ्ट साइड में पेंसिल का मार्क है वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, वहाँ से हम लोग अपना थंबनेल अपलोड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पर लिखा होगा नीचे चेंज। इस चेंज को क्लिक करने से हम लोग का जो थंबनेल है वो मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे। चेंज के ऊपर क्लिक करने से हम लोग का जो फाइल है, फाइल से कोई भी हम लोग जो फोटो या थंबनेल है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा। फिर राइट साइड में देखिए कॉर्नर ऊपर में सिलेक्ट वॉल का ऑप्शन है, उसको हम लोग क्लिक कर देंगे, तो फिर हम लोग का जो थंबनेल है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो टाइटल है, टाइटल हम सब यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं या फिर ऐड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। थंबनेल के बाद हम लोग टाइटल देख लिए, इसके बाद हम लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर पेंसिल का मार्क दिया हुआ है टाइटल के ठीक नीचे, वो उसका वहाँ पर हम लोग अपना डिस्क्रिप्शन जो होगा यहाँ पर हम लोग टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग भी ऐसे ही डिस्क्रिप्शन वीडियो के रिलेटेड यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टाइप करने के बाद, वीडियो रिलेटेड डिस्क्रिप्शन टाइप करने के बाद बैक करके बाहर आएंगे, उसके नीचे देखेंगे ऐड टू प्लेलिस्ट। यहाँ पर हम लोग कुछ प्लेलिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इस वीडियो को प्लेलिस्ट में। उसके बाद नीचे देखेंगे लिखा हुआ है ऐड टैग्स, यहाँ पर हम लोग वीडियो रिलेटेड टैग दे सकते हैं। यहाँ पर टैग जो वीडियो का रिलेटेड होगा, कुछ नेम होगा, जो भी यहाँ पर आप नेम से रिलेटेड कुछ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जाइए डायरेक्ट जो लिखा हुआ है एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग क्लिक करने के बाद आएगा नीचे कैटेगरी, यहाँ पर आप वीडियो रिलेटेड कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ पर आप अगर टेक रिलेटेड देते हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए। उसके बाद नीचे देखिए लाइसेंस एंड राइट ओनरशिप लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लाइसेंस चूज करना है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। उसके बाद नीचे आ जाइए, अगर आपके ये वीडियो किड्स के रिलेटेड है तो यहाँ पर किड्स के लिए यस कर दीजिए, अगर किड्स के लिए नहीं है वीडियो तो नो कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट योर वीडियो टू एन एडल्ट ऑडियंस, अगर आपके वीडियो एडल्ट के लिए है, सिर्फ एडल्ट के लिए है तो यस कीजिएगा, अगर एडल्ट सब के लिए है तो नो कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, जहाँ पर लिखा हुआ है कमेंट्स, अलाउ कमेंट्स, अगर आप चाहते हैं आपके वीडियो में कोई कमेंट करे तो यहाँ पर टिक रहना चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कमेंट नहीं करे तो यहाँ पर नो कीजिए। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है उसको आप ध्यान दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे वीडियो के आगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग का पूरा जानकारी हो गया कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट होता है और कैसे YT स्टूडियो यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेने के बाद हम लोग जाएंगे ओके बटन में, मतलब सेव बटन में क्लिक करेंगे। सेव बटन में क्लिक करने के बाद आपका जो पूरा एडिट का काम वो कम्प्लीट हो गया है। इसके बाद ये दोनों काम हो जाने के बाद और काम है आपका youtube.com में, वहाँ पर जो काम है वो उसका काम के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।
तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो इस चैनल में आते ही रहता है। थैंक यू।